नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं। टीम मोदी में किसे जगह मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी, ये शपथ ग्रहण के दौरान ही स्पष्ट होगा। हालांकि दावेदार दिल्ली पहुंच चुके हैं, कुछ नेताओं को फोन पर ही बुलाया गया है, तो कुछ उम्मीद की किरण के सहारे दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बड़ी बात यह कि नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट में इस बार कई युवाओं को मौका मिल सकता है, साथ ही कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। ऐसे में हर किसी की निगाहें शाम को होने वाली विस्तार पर टिकी हुई है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्वानंद सोनोवाल, नारायण राणे, पशुपति पारस, शांतनु ठाकुर, नितेश प्रमाणिक और सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुना और अजय मिश्रा, राजेंद्र अग्रवाल, एसपी सिंह बघेल और प्रवीण निषाद, अनुप्रिया पटेल, वरुण गांधी, राजीव टंडन और संतोष कुशवाहा के नाम रेस में आगे माने जा रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट में इस बार मुख्य तौर पर युवा चेहरों को शामिल किए जाने की संभावना ज्यादा है। साथ ही सरकार का फोकस एससी ओबीसी चेहरों को शामिल करने का होगा, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसे में कई समीकरणों को कैबिनेट विस्तार के जरिए साधने की कोशिश की जा सकती है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं मोदी कैबिनेट में किन चेहरों को जगह मिल सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है ये एक संभावित नाम है। वरुण गांधी का भी नाम जो है कहीं ना कहीं रेस में शामिल है। सर्वानंद सोनोवाल को भी जगह मिल सकती है, ये खबर लगातार छन छन कर सामने आ रही है। रीता बहुगुना जोशी, इनको भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। अनुप्रिया पटेल जो है लंबे समय से कयास लगाई जा रही थी, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और संजय निषाद का नाम भी इस रेस में शामिल है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं किन चेहरों को इस मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो कुनबा को बढ़ाने के लिए आज जो है शाम को हालांकि स्थिति जो है स्पष्ट होगी, और असम से सर्वानंद सोनोवाल, उनको भी जो है जगह मिल सकती है, क्योंकि इन्होंने सीएम का जो है कुर्सी छोड़ी थी। महाराष्ट्र से प्रीतम मुंडे का नाम भी जो है इस रेस में शामिल है। महाराष्ट्र से एक और नाम शामिल है, वो है नारायण राणे। तो उत्तर प्रदेश से रीता बहुगुना जोशी को जगह मिल सकती है। हालांकि आपको बता दें कि अगले साल विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश से स्वतंत्र देव सिंह, इनको भी जगह मिल सकती है। और उत्तर प्रदेश से काफी सारे नाम सामने निकल कर आ रहे और इसी नाम में पंकज चौधरी का नाम भी शामिल है, वहीं वरुण गांधी का नाम भी शामिल है। इस बार ये भी खबर है कि युवाओं को जो है तरजीह दी जा सकती है। तो अनुप्रिया पटेल, इनका नाम भी शामिल है। हालांकि अजय भट्ट तो उत्तराखंड से आते हैं, इनका नाम भी शामिल है। और अनिल बलूनी का नाम भी शामिल है, क्योंकि खबर ये भी सामने आ रही है जिन राज्यों में अगले साल चुनाव है उनको प्रायोरिटी में जगह दी जा सकती है। राजस्थान से पीपी चौधरी, इनका नाम भी रेस में शामिल है। तो ऐसे कई नाम है जो लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया लाइव जुड़े हैं। प्रभु जी, खबर तो बहुत सारी सामने निकल कर आ रही है, हालांकि दर्शकों को हम ग्राफिक्स के जरिए उन तस्वीरों को दिखा रहे थे जो छन छन कर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका नाम जो है लगभग तय माना जा रहा है। बिल्कुल दीपिका, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम बिल्कुल मध्य प्रदेश से एकदम तय माना जा रहा है। और वो जब सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आए थे साल करीब 15 महीने पहले, तब से ये बिल्कुल तय था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय कैबिनेट में लिया जाएगा। कांग्रेस ये आरोप लगाती थी कि वो केवल केंद्रीय मंत्री बनने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, ऐसा कांग्रेस के दिग्गज से लेकर तमाम नेताओं के भी उनको लेकर आरोप थे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद उनको राज्यसभा में पार्टी ने भेज दिया था और उसके बाद एक लंबा इंतजार उनको करना पड़ा केंद्रीय कैबिनेट में आने के लिए। उनके करीबी सूत्र बताते हैं कि जब लाल किले पर किसानों का प्रदर्शन हुआ था 26 जनवरी को, उसके दो दिन बाद ये विस्तार होना की संभावना उस समय जताई जा रही थी, लेकिन उसके कारण वो टल गया था। और इस तरीके से उनका इंतजार बढ़ता गया
तब ज्योतिरादित्य सिंधिया तो एक मध्य प्रदेश से ये कहें कि पुख्ता नाम है जिसको केंद्रीय कैबिनेट में लेना है, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट के तहत ही भारतीय जनता पार्टी में आए थे कि उनके जो तमाम लोग हैं उनको मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश में स्थान दिया जाए, सबको फिर से चुनाव लड़ाया जाए और इसके अलावा सिंधिया को भी केंद्रीय कैबिनेट में लिया जाए। तो ये बड़ा नाम जो इसको तय माना जा रहा है। इसके अलावा कुछ और सरप्राइजिंग नाम मध्य प्रदेश में हो सकते हैं जिसके बारे में शाम तक खुलासा कुछ और हो सकता है। बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है बाकायदा अपना दौरा वो अधूरा छोड़कर दिल्ली पहुंचे हैं और बाकायदा पूजा पाठ करके पहुंचे हैं। क्या ऐसे कोई और नाम भी है मध्य प्रदेश से जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है? देखिए, इसका एक बड़ा नाम यदि हम कहें कि चूंकि मालवा से थावरचंद गहलोत प्रतिनिधित्व करते थे, वहां से राज्यसभा सदस्य थे और सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री थे, उनकी जगह खाली हुई, उनको राज्यपाल बना दिया गया। यदि मालवा को प्रतिनिधित्व देना है, यदि हम यदि मध्य प्रदेश के समीकरण देखते हैं तो मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश के चारों क्षेत्र जो है वहां का प्रतिनिधित्व था, चारों वर्ग का प्रतिनिधित्व था। यदि मालवा को प्रतिनिधित्व देना है तो कैलाश विजयवर्गीय एक नाम हो सकता है। कैलाश विजयवर्गीय को क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में फोकस करके उनको रखा हुआ है, वहां पे इंचार्ज बना के रखा हुआ है और कैलाश विजयवर्गीय को बंगाल में जिस तरीके की मुश्किलें आई थी वहां पर काम करने के दौरान, उन पर हमले भी हुए थे, तो उसको देखते हुए उनके शील्ड सुरक्षा की देने के उद्देश्य से उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में दो ऑप्शन उनके लिए, एक तो राज्यसभा की सीट खाली हुई है थावरचंद गहलोत की, उससे वो राज्यसभा में जा सकते हैं। एक खंडवा का बाय इलेक्शन है, तो हो सकता है वो खंडवा का बाय इलेक्शन भी उनको पार्टी लड़ा सकती है, विजयवर्गीय की इच्छा है, लेकिन अब पार्टी क्या निर्णय लेती है ये उस पर निर्भर करेगा। यदि हम देखें तो जबलपुर से एक बड़ा नाम और है, राकेश सिंह का, जो सांसद है, चार बार के सचेतक हैं संसद में और वो मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, गुड बुक में भी हैं, विवादित नेता है, एक वो नाम हो सकता है। लेकिन उनके साथ एक फैक्टर है कि मालवा से दो मंत्री पहले से हैं, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते, तो शायद उनका नाम पर उतना विचार ना हो। लेकिन एक बड़ा नाम और हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, वो है वीरेंद्र कुमार खटीक का, जो टीकमगढ़ से सांसद है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और चूंकि उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन होने वाले हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के भी है नेता वो, तो उनका उपयोग भी भारतीय जनता पार्टी चाहे तो कर सकती है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश का तो आपने बहुत ही विस्तार से बताया, लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो खबर ये भी सामने आ रही है जहां पर अगले साल विधानसभा, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां से मंत्रियों को जो है प्रायोरिटी दी जा सकती है, उन राज्यों से जो जनप्रतिनिधि है उन्हें जो है मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बिल्कुल, दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है जो लगभग अब सबकी समझ में भी आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ चुनावी राज्य है वहां पर पहले से फोकस करके काम करती है। और अब देखिए कि चाहे बंगाल की बात हो या फिर मध्य प्रदेश के पहले इलेक्शन की बात हो, जहां पर भी चुनाव हुई राज्य है वहां पर खासा फोकस करती है। उत्तर प्रदेश एक रीढ़ है, उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार है, जिनके दल जीतता है वो केंद्र में प्रधानमंत्री बनाता है, तो स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश के बड़े इलेक्शन सामने भारतीय जनता पार्टी के पास, उत्तर प्रदेश पे ज्यादा फोकस होगा, बिहार पे फोकस होगा, पंजाब पर भारतीय जनता पार्टी फोकस कर सकती है, उत्तराखंड जैसे राज्यों पर भी उनका वहां से भी लोगों को लिया जा सकता है। तो इस तरीके से बिल्कुल चुनावी राज्यों से जो लोग हैं और जातिगत समीकरण वहां पर साधे जाएंगे, वोट बैंक का फैक्टर देखा जाएगा वहां पर क्या है जो भाजपा को सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा युवा चेहरों को तरजीह दी जा रही है जो ज्यादा से ज्यादा फील्ड में भी काम कर सके और अब जो विभाग उनको जाता है उस विभाग में भी अच्छा काम करके दिखा सके। तो बिल्कुल, जो बीजेपी की जो कार्यशैली वो अलग ही अंदाज में है और इस समय जो है कोशिश यही की जा रही है, अगले साल जो है कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और फोकस यही रहेगा। और खबर ये भी सामने आ रही है कि एससी एसटी और ओबीसी को जो है साधने की भी कोशिश की जाएगी। जी दीपिका, बिल्कुल सही है, एससी एसटी ओबीसी के नाम ही ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि ये बड़ा वोट बैंक है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा बैंक ओबीसी का ही है और वो एससी एसटी ओबीसी मिलकर 70% होते हैं। बिल्कुल यही स्थिति अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश चूंकि जातिगत राजनीति का गढ़ रहा है, वहां जाति राजनीति होती है, वोट आदमी जाति के हिसाब से देता रहा है अभी तक, तो वहां के सारे समीकरण साधने के लिए उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ध्यान में रखते हुए जातिगत समीकरण को बैठाया जाएगा, एससी एसटी ओबीसी को ज्यादा फोकस किया जाएगा, कुछ ब्राह्मण चेहरे और ठाकुर चेहरे भी मंत्रिमंडल में लिए जा सकते हैं प्रतीकात्मक के तौर पर कि वो वर्ग नाराज हो ना हो, लेकिन ज्यादा फोकस पार्टी का जो है उन्हीं वर्गों पर होगा जिनको कि एससी एसटी में आते हैं या ओबीसी में आते हैं। बिल्कुल प्रभु जी, आपका एक बहुत अच्छा खासा अनुभव है और राजनीति पॉलिटिकल बीट को आप बहुत क्लोजली देख रहे हैं। मोदी सरकार का फैसला जो हमेशा से सरप्राइजिंग रहता है, क्या इस बार भी कुछ ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं सरकार की तरफ से? देखिए दीपक,
पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी सरकार में कोई भी निर्णय होता है तो बहुत सारे अचानक ही होता है, सरप्राइजिंग फैक्टर उसमें बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल इस बार भी हम मान के चल सकते हैं क्योंकि उनको बड़ी तादाद में मंत्री बनाने, संख्या बहुत ज्यादा है, 25 से 30 के बीच में मंत्री बनाने की बात आ रही है, कुछ लोगों को हटाया भी जाएगा परफॉर्मेंस के आधार पर। तो निश्चित तौर पर मोदी अपने अगले चुनाव की टीम चुनने वाले हैं कि जो अगले चुनाव में उनके काम आ सके, जो बेहतर काम करके दिखा सके, जिस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर का चुनाव किया गया था, तो इस तरीके से एक विशेषज्ञ, अलग अलग मामलों के विशेषज्ञों को स्थान दिया जा सकता है। कोविड का एक और हमने देखा है कि कोरोना के कारण जिस तरीके की स्थितियां पैदा हुई हैं तो वहां पर भी कोई विशेषज्ञ को लिया जा सकता है, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस जो है विकास की तरफ है, नई नीतियां बनाना है, उनका इम्प्लीमेंटेशन कराना है और गांव तक जो समस्याएं हैं वो केंद्र सरकार की नजर में। तो आप एक महान अभिनेता जिनकी भूमिकाएं अलग अलग फिल्मों में देख के ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई कलाकार काम कर रहा है, वो हर पात्र को जीते थे। भारतीय सिने जगत उनके बिना अधूरा है और मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो मध्य प्रदेश के बुधनी में नया दौर फिल्म की शूटिंग उस समय हुई थी, तब शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। ऐसे कलाकार कभी कभी होते हैं, मैं उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि ऐसे कलाकार सदियों में एक बार आते हैं, बहुत बड़ी क्षति है। तो रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटुरिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मोदी कैबिनेट में विस्तार को लेकर हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। प्रभु जी, इस बार खबर ये भी सामने आ रही है कि युवाओं को जो है प्रायोरिटी दी जा सकती है। देखिए दीपिका, भारतीय जनता पार्टी हमेशा पीढ़ी परिवर्तन करती रहती है, नया नेतृत्व तो वो आगे का तैयार करती रहती है, तो बिल्कुल एक संतुलन साधते हुए युवाओं को ज्यादा से ज्यादा तरजीह अभी कैबिनेट में दी जा सकती है, क्योंकि इसके पहले जो यदि हम कहें कि 2 साल करीब हो गए तो जो मंत्री हैं बड़े अनुभवी हैं, उनको जो नए उस समय लिए गए होंगे उनको अनुभव हो चुका होगा, अब नई टीम को शामिल करना है जो आगे भाजपा का बेस बन सके, जो भाजपा को और मजबूत कर सके, चाहे अपने काम के दम पर मंत्रालय में या क्षेत्रों में जाकर काम कर सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही काम के लिए लोगों को इस्तेमाल नहीं करती, टास्क बेस काम करती है कि यदि आप केंद्रीय मंत्री हैं तो आपको पार्टी के काम भी आपको जगह जगह जाकर करने पड़ेंगे और इस तरीके से चेहरे स्थापित करती है भारतीय जनता पार्टी। तो स्वाभाविक तौर पर नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी। यदि नए चेहरों में बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश में जतिन प्रसाद है उनको भी भारतीय जनता पार्टी मौका दे सकती है कि भाजपा का चेहरा वो बने उत्तर प्रदेश चुनाव में, और भी कुछ जैसे जामिया नंगयाल है लद्दाख के, उनको भी इस्तेमाल कर सकती, क्योंकि संसद का उनको जो भाषण था पूरे देश में उसको बड़ी चर्चा होती, बहुत प्रभावी भाषण उन्होंने दिया था। तो नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका देकर उनको एक अनुभव देना, उनको राज्य मंत्री के तौर पर धीरे धीरे काम सिखाना, ताकि आगे चलकर जो अगले चुनाव में या बाद में भारतीय जनता पार्टी की वो बेस बन सके। तो ऐश्वर्या जैन भी बने हुए हमारे साथ दिल्ली से। ऐश्वर्या, किस तरीके की हलचल ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही है, क्योंकि आप सुबह से लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, शाम तक हालांकि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन फिलहाल क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, लगातार हम भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और सुबह से ये सूत्र हमें बता रहे हैं कि तमाम जो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए मंत्रियों को या सांसदों को लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं और उनको दिल्ली तलब किया गया है, इससे साफ स्पष्ट होता है कि किस तरीके का नया मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने वाले समय के लिए होने वाला है। साफ तौर पर ये बात की कवायद तेज हो गई है कि एक युवा मंत्रिमंडल इस बार होगा और कहीं ना कहीं जितने जो अभी मंत्री हैं जिनके पास तीन तीन चार चार मंत्रालय हैं उनसे भार
कम करने की जिम्मेदारी है। देखिए रविशंकर प्रसाद जिनके पास 4 मंत्रालय हैं, पीयूष गोयल जिनके पास 3 मंत्रालय हैं, प्रकाश जावड़ेकर जिनके पास 3 से 4 मंत्रालय, नरेंद्र सिंह तोमर 4 मंत्रालय, इन तमाम मंत्रियों के पास से मंत्रालयों का भार कम करना और नए और युवा मंत्रियों को इन मंत्रालयों की जिम्मेदारी देना एक तरीके से किस तरीके से पूरी गणित इसमें बिठाई जाएगी इसके लिए कवायद अब तेज हो गई है। कितने कोटे से कितने जो अलायंसेज हैं भारतीय जनता पार्टी के उनको मंत्री पद देना होगा ये शाम तक तय होगा, लेकिन साफ तौर पर जितने भी मंत्रियों को बुलावा देना है उनको दिल्ली बुला लिया गया है, ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। मध्य प्रदेश से बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास पहले ही कॉल आ गया था और कल वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनको भी कोई बड़ी जिम्मेदारी कैबिनेट में मिल सकती है, इस बात के बिल्कुल साफ संकेत भारतीय जनता पार्टी के टॉप हाईकमांड से मिल चुके हैं। देखना होगा शाम तक कि किस तरीके से चीजें सामने आती हैं और कौन कौन से वो नए चेहरे होते हैं जिनको नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। बिल्कुल, हालांकि स्थिति जो है कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे स्पष्ट होती नजर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लगभग तय माना जा रहा है और ये भी पिक्चर क्लियर हो गया है कि इस बार जो है युवा नेताओं को जो है उनको तरजीह दी जाएगी। लेकिन प्रभु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में गए हुए और जितिन प्रसाद का नाम भी आप कह रहे थे, लेकिन उन नेताओं का क्या जो बीजेपी में लंबे समय से है और वो भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे होंगे कि उन्हें भी जो है कैबिनेट में जगह मिले और किस तरीके से बैलेंस सरकार की तरफ से की जाएगी? देखिए दीपिका, भारतीय जनता पार्टी का एक अपना कामकाज का अलग तरीका है और मंत्रिमंडल में किसको लिया जाए किसको नहीं लिया जाए ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, उनका विवेकाधीन कार्य होता है, वो अपनी पसंद से लोगों को लेते हैं। लेकिन यहाँ पर संतुलन साधने की कोशिश ज्यादा दिखाई दे रही है, चुनावी राज्यों पर फोकस किया जा रहा है और युवा चेहरों को तरजीह दी जा रही है। कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो जरूरी है चुनाव के लिहाज से, तो उस समीकरण में जतिन प्रसाद फिट बैठते हैं, उसी समीकरण में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी फिट बैठ रहे थे, जो उनकी दम पर ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। यदि सिंधिया अपने लोगों के साथ भाजपा में नहीं आते तो शायद भाजपा की ये अभी जो सरकार बनी ये सरकार नहीं बन पाती। इस तरीके के फैक्टर है जिनको साधने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये है कि पार्टी के जो विचारधारा है उसके रंग ढंग में जो रंग चुके हैं उनको पार्टी आगे बढ़ाती है, जो उस रंग में नहीं रंगते हैं उनको दरकिनार भी कर दिया जाता है, लूप लाइन में कर दिया जाता है। तो इस तरीके से एक टेस्टिंग भी है इन लोगों की जो लोग आए हैं। लेकिन भाजपा के जो मूल कैडर है स्वाभाविक तौर पर उम्मीदें उनकी भी ज्यादा है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सभी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता, उनको कहीं और संतुष्ट किया जा सकता है, उनको कहीं समझाया जा सकता है, इस तरीके की स्थितियां भी भाजपा में अभी निर्मित होंगी। तो ऐश्वर्या जैन भी लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्या, हम हर एक बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं किस तरीके का वे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन जैसे ही विस्तार होगा अपने इस कैबिनेट को मजबूत करने के लिए उसके बाद पहला उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो फैसले हुए हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हुए हैं और इस मंत्रिमंडल में भी कई ऐसे नाम शामिल हो सकते हैं जो आपको चौंका भी सकते हैं। जो आगे की रणनीति है वो साफ तौर पर ये है कि जितने भी मंत्रालय अभी खाली हैं या फिर जिन मंत्रियों के पास ज़्यादा मंत्रालयों का भार है उनको कम किया जा सके और आने वाले चुनावी राज्यों के अंदर उन उन लोगों को, उन वोटर्स को टच किया जा सके जो अभी तक अछूते थे। कहीं ना कहीं वरुण गांधी उत्तर प्रदेश का एक युवा चेहरा, जो युवा बेस वो है उसको भी टच करने के लिए कहीं ना कहीं उनका नाम भी कंफर्मेशन के लिए आ चुका है, उनको भी दिल्ली बुलाया गया है, वो भी अपने निवास स्थान पर हैं। अगले 2 से 3 घंटे बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब तमाम इन प्रोबेबल्स नेताओं ने नॉर्मल कॉल्स लेना बंद कर दिए हैं, अब सिर्फ वो एक उस कॉल का इंतजार कर रहे हैं जो उनको टिकट दिलवा सकता है मंत्रिमंडल का। साफ तौर पर आने वाले कुछ समय में जो बड़े मंत्रालय हैं उस पर किस तरीके से विभागों का बंटवारा होगा, इन मंत्रियों को कौन कौन से विभाग मिलेंगे वो एक बड़ी समस्या होगी क्योंकि इस पर भी कहीं ना कहीं कई कोटे के मंत्रियों ने अपनी डिमांड्स रखी हुई हैं। जेडीयू से कहा गया है कि उनको बड़े कैबिनेट के मंत्रालय मिलने चाहिए बिहार से, इसके अलावा कई और मंत्री हैं, कई और पार्टियां हैं जिन्होंने मंत्रालयों की भी डिमांड करी हुई है। किस तरीके से ये समीकरण बिठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाती है ये एक देखने वाली चीज होगी। वाकई में देखना दिलचस्प होगा कि जो तस्वीर है, हालांकि ये शाम को ही
निकलकर सामने आएगी, लेकिन उससे पहले हम लगातार हर एक बिंदु पर चर्चा करें किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि जो प्रायोरिटी है वो सेट है, क्योंकि मोदी मंत्रिमंडल में जो इस बार युवाओं को तरजीह दी जाएगी और साथ ही साथ जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी। प्रभु जी, जिस हिसाब से खबर सामने आ रही है युवाओं को तरजीह दी जाएगी और जो प्रायोरिटी है वो चुनावी राज्यों के लिए होगा, इसको लेकर आपका जो अनुभव है वो क्या कहता है? कि युवाओं को तरजीह दी जाने वाली है, काम करने वाले चेहरे दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि उन लोगों युवाओं को मौका दिया जाएगा जो पार्टी के लिए आगे उपयोगी हो सकते हैं, जो पार्टी की रीढ़ बन सकते हैं, आगे अच्छा काम करके मजबूत कर सकते हैं पार्टी को भी, तो उस पर फोकस ज्यादा किया जा रहा है। कुछ जिस तरीके के समीकरण है, जिस तरीके से जो सहयोगी दल है। प्रभु जी, ऐश्वर्या जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।